इस सरकार में ना किसान सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित, ना बुजुर्ग सुरक्षित, ना महिलाएं सुरक्षित, ना बच्चे सुरक्षित नहीं है। लगातार जहाँ कल बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस जल रहे हैं, एसपी ऑफिस जल रहे हैं, गवर्धा में घरे जल रहे हैं, तीन साहू समाज के बेटों की हत्या हो जाती है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालों, अरे एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता, बोलो कितने राम बनाए और कितनी बन पाई सीता। आप कवर्धा गए थे लेकिन लोग कह रहे थे कि बाबा ने सरकार पे सवाल नहीं उठाया। इस सरकार में अशांति है, इस सरकार में अपराध है, अपराधियों का संरक्षण बढ़ा हुआ है, मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए हम एक कबूतर शांति का दूत छत्तीसगढ़ के लिए भेज रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ से मुक्त करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि किसी चीफ दीपक बैच जो है शांति का प्रतीक जो है कबूतर को उड़ा दिया है। बीजेपी कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैच के बीच में कुछ ठीक नहीं है। भूपेश बघेल लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, दीपक बैच पर्दे पीछे हैं। हम चाहे साधराम यादव के बात के शुरू कर तो यादव समाज भी आक्रोशित है, साहू समाज भी आक्रोशित है, निषाद समाज आक्रोशित है, आदिवासी समाज आक्रोशित है। आपके चुनाव हारने के पीछे की वजह और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने की वजह क्या हो सकती है? पुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद जी भी मौजूद है, तो ख्याल है सर, निषाद जी कथा का न्याय हो गया, न्याय यात्रा निकाल कर आप देखा तो कि जब ले भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बने हैं। हम चाहे साधराम यादव के बात के शुरू कर तो यादव समाज भी आक्रोशित है, साहू समाज भी आक्रोशित है, निषाद समाज आक्रोशित है, आदिवासी समाज आक्रोशित है, तो ऐसे करके छत्तीसगढ़िया के छतनामी समाज आक्रोशित, तो सब समाज जेकर जे जान माल के हानि हो, हत्या हो, डकैती हो, बलात्कार हो, अतका घटना के बाद सरकार केवल पाछू ढार ले अपने पीठ लथपात है, लेकिन कहीं कानून व्यवस्था नहीं दिखत है। तो ओकर पर आज छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार ने चेताए भर एक स्वागत हुआ थे सब उड़ा। बिल्कुल छत्तीसगढ़ के जनता परेशान है, देखा थे कि जिन आतंक बढ़े प्रदेश में आतंक कैसे खत्म हो, और वही आतंक ले खत्म करे पर यार न्याय यात्रा चलत है, और पूरा विश्वास है कि कुंभकर्णी सरकार जिन सूते है वो जाग ही, और छत्तीसगढ़ के जनता ने न्याय दिए उम्मीद है, और नहीं दी न्याय तो ओकर पर फिर अभी तो शुरुआत है, एकर ले बड़े यात्रा हुई ये मैं आप लोग बता। आपके अंदाज में सरकार ला का कहूँ, का आपके माध्यम से आपके क्लच कार आदमी हो, सिंगर हो, सबो चीज कर लेते हो, तो आपके माध्यम से आपके तरीका से मैं तो बस वही कहा था सरकार ला एक बार चेता था कि कब तक धर्म के नाम में मजहब के नाम में वोट ला मांगत रहे हैं। कोनो जवाबदारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है कि सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालों, अरे एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता, बोलो कितने राम बनाए और कितनी बन पाई सीता। तो धर्म के नाम में लड़ाई कर बंद कर दे, और क्षेत्र के और प्रदेश के जनता के विकास के बारे में सोच, और जनता लकत का सुख सीधा देने एक बारे में सोचना चाहिए सरकार, नहीं तो नैतिकता के आधार पर ये छत्तीसगढ़ के सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो। विधायक कुंवर निषाद जी से धन्यवाद भैया, एक ऐसे गोड़ बात हो गए। बाकी आप देख सकते हो कि जगह जगह जो है कांग्रेस के न्याय यात्रा में जो है स्वागत हो जाते, दुरुख से साथी बनाए इमरान भाई, इस यात्रा को लेके क्या रिस्पॉन्स है ग्राउंड में? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है भैया, पब्लिक बाहर निकल निकल के लोग बोल रहे हैं, और लोगों का विरोध समझ में आ रहा है। कॉमन आदमी से बाहर मिला हुआ सब लुड़ रहे हैं, और सबका विरोध समझ में आ रहा है, तकलीफ है लोगों को, तकलीफ से लोग लड़ रहे हैं, बता रहे हैं मीन नेता से, बहुत बता रहे हैं लोग, सबके कहीं ना कहीं परेशानी भी है, कोई कैमरे में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई छुप रहा है, डर रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं सब जगह, हर शहर हर जिले में तकलीफ है जी। हम तो कॉमन खान साहब दुरुग से कब से घूम रहे हो आप साथ में? मैं यहाँ 26 तारीख से लगा हुआ हूँ, यात्रा में सहयोग भी कर रहा हूँ, और साथ में दीपक भैया के साथ न्याय यात्रा भी कर रहा हूँ, और क्योंकि सुबह से हम लोग 8 बजे से निकल जाते हैं रात के 8 बजे तक। आज तो 16 किलोमीटर का यात्रा था, एक दिन 29 किलोमीटर, किसी दिन 22 किलो, किसी दिन 25 किलोमीटर, और पूरे रास्ते भर में बहुत उत्साह है छत्तीसगढ़ ने यात्रा को, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा पूर्ण सफल है यात्रा। सोनू एनएसआई के पदाधिकारी बोल रहे हैं। मैं पंकज बांधा उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण राजनांदगांव। अच्छा, जी कहा राजनांदगांव ग्राम पनिका 27 सितम्बर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगातार पैदल यात्रा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का नेतृत्व करते हुए दीपक बैज जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की परिवर्तन हो। परिवर्तन का कारण ये है कि ये विगत 9 महीने के अंदर में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, प्रदेश की जो शासन है वो निकम्मी साबित हुई है। इस
छत्तीसगढ़ की जनता की न्याय के हक की लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो आंदोलन कर रहा है, ये परिवर्तन की शंखनाद की शुरुआत है। आने वाले समय चार साल बचे, हाँ आने वाले समय में लगातार जारी रहेगा ये। और छत्तीसगढ़ सीना बहुत बहाना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ 9 महीने की शुरुआत हुई है। युवाओं कितने जोश रहेगा? युवाओं में पूरी तरह से जोश है। देखिए जी, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरीके से लगातार युवाओं के साथ NSY यूथ कांग्रेस के हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी के साथ अन्याय कर रहे हैं, और आज जो प्रदेश की स्थिति है वो सब जनता के सामने है। 9 महीने में इस सरकार ने इस प्रदेश को, जो शांतिप्रिय प्रदेश था, उसे अपराध का गढ़ बना दिया है, जिसको लेके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में यह पदयात्रा, न्याय यात्रा निकली है। और यह न्याय यात्रा संदेश देने के लिए निकली कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हम कदम से कदम देख सकते हैं कि जगह जगह जो है कांग्रेस की इस न्याय यात्रा का जो है स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह टेंट लगाकर, जगह जगह पीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व डिप्टी CM जो है, आप देख सकते हैं पूर्व डिप्टी CM TS बाबा खुद भी है, पूर्व विधायक अरुण वोरा, सभी लोग जो है ग्राउंड पर है। संदीप वोरा भी मौजूद है, दुर्ग से आए हुए हैं। संदीप भाई जी, आप कब से पसीने बहा रहे हैं? मैं तो लगातार जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है हर दिन आता हूं और जितना हो सके उतना चलता हूं। आते हो कि यहीं ठहरना पड़ता है कि ठहरना नहीं, मैं जाता हूं। ठहरने की सारी व्यवस्था यहां पर अध्यक्ष जी द्वारा कराई गई है, लेकिन संभव नहीं होगा। हाँ संभव नहीं होगा। रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं बिलासपुर से लोग यहाँ आकर के स्वागत कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप जो देख सकते हैं कसडोल विधायक संदीप साहू भी उनके साथ में है, पूर्व डिप्टी CM TS बाबा, पीसी चीफ दीपक बैज के साथ में जो है पूरी टीम उनके साथ में, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस यात्रा में शामिल हुए लोगों का जो है आप देख सकते हैं कि हुजूम जो है, भीड़ है। खुशवंत आराम से कोशिश करते सामने आते हैं। आ रहा हूँ बिल्कुल, चलो आगे आगे आगे। तो पूर्व डिप्टी CM TS बाबा जो है आज इस यात्रा में शामिल हुए, पीसी चीफ दीपक बैज जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे उसे। जी आ जाओ, बात करते हैं। जी कैमरा फ्लाइट है, दो मिनट जो नहीं उड़ा है, ठीक है चलो चलो। कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है, हमारे साथ पीसी चीफ दीपक बैज जी है। बैज जी पसीना खूब बहा रहे हो। ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा 27 तारीख से शुरू होकर 2 तारीख को खत्म होगी। 6 दिन का ये हमारा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा है। हमारा न्याय यात्रा का मकसद है, छत्तीसगढ़ में लगातार आपराधिक घटनाएं घटती है, बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर, सरकार की नाकामियों को लेकर, और जिस तरह से सरकार 9 महीने में भरोसा खो दिया है और जनता लगातार जनता में आक्रोश है, गुस्सा इस सरकार के खिलाफ में। इस सरकार में ना किसान सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित, ना बुजुर्ग सुरक्षित, ना महिलाएं सुरक्षित, ना बच्चे सुरक्षित नहीं है। लगातार जहाँ कल बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस जल रहे हैं, SP ऑफिस जल रहे हैं, कवर्धा में घरे जल रहे हैं, 300 समाज के बेटों की हत्या हो जाती है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी एक लंबा वक्त है, बहुत अभी चुनाव में लंबा टाइम है, इसका असर दिखेगा। हमें पता है चुनाव बहुत लंबा टाइम है, लेकिन सरकार 9 महीने में ही विश्वास भरोसा खो दिया है, लेकिन इतने सारे इस छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। इसलिए जहां जहां अत्याचार और अन्याय होगी, कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ते रहेगी, चाहे 4 महीना बचाओ, साल भर बचाओ, या जितने भी टाइम बचाओ, कांग्रेस जनता की हक और अधिकार के लिए बराबर लड़ती रहेगी। कल 2 अक्टूबर आखिरी दिन है, क्या कल ऐतिहासिक सभा होगा? अभी तो हम लोग 5वां दिन है, अभी सड्डू भी हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, कल के बाद 8 किलोमीटर बच रहा है। सचिन पायलट जी, तीनों प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े लीडर्स मौजूद रहेंगे, और कहीं ना कहीं कल का जो सभा है ऐतिहासिक स्वागत होगा, विशाल आम सभा होगा, मतलब छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज होगा, ये कार्यकर्ता जोश और उत्साह बता रहा है। बाकी लोगों को जा रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? जबरदस्त रिस्पॉन्स, जबरदस्त रिस्पॉन्स। सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कबूतर उड़ाने जा रहे हैं। बिल्कुल शांति का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है। बिलासपुर के हमारे साथियों ने लेके आया इसको, और ये शांति का दूत, शांति का दूत हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम भेज रहे हैं। इस सरकार में अशांति है, इस सरकार में अपराध है, अपराधियों का संरक्षण बढ़ा हुआ है, मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए हम एक कबूतर शांति का दूत छत्तीसगढ़ के लिए भेज रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ से मुक्त करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि पीसी चीफ दीपक बैज जो है शांति का प्रतीक जो है कबूतर को उड़ा दिया है, और कबूतर उड़ाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि शांति का प्रतीक को जो है
शांति का प्रतीक दिखाने की कोशिश की गई है और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा भी मौजूद, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं, पांचवा दिन है, ग्राउंड पर क्या रिस्पॉन्स है, क्या नजर आ रहा है? सब आपके सामने है और पूरे प्रदेश की ओर से हमारे अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि आमजनों की आवाज़ उठानी है। 9 महीने में ये नौबत आएगी ये हमने नहीं सोचा था, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो रही है, इसीलिए विपक्ष के नाते जवाबदारी संभाली है प्रदेश अध्यक्ष जी ने, दीपक बैज जी ने, और उन्होंने ये न्याय यात्रा निकाली। आप कवर्धा गए थे लेकिन लोग कह रहे थे कि बाबा ने सरकार पे सवाल नहीं उठाया। आवाज़ और सवाल पब्लिक उठा रही है, मेरे को या किसी व्यक्ति को सवाल नहीं उठाना है, वो हमारा हो गया। मेरे को मेरे लिए जिस दिन बोलना होगा उस दिन मैं बोलूँगा। ये लोगों की आवाज़ है जो लोग उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ के साथ हम खड़े हैं। ये हमको आगे आने का अवसर नहीं है, ये उनको आगे आने का अवसर है, जिनके परिवार के लोग आज दीपक जी से मिलने के लिए यहाँ पर न्याय यात्रा में आए थे। बच्चे हैं, उनके पढ़ाई का क्या होगा, घर में खाने का क्या होगा, जिनकी मृत्यु, जिनकी हत्या की गई, पुलिस हिरासत में हत्या हुई, उनको कब न्याय मिलेगा? तो हम उनके साथ हैं, ये हमारे लिए आगे आने का अवसर नहीं है, उनके पीछे खड़े होने का अवसर है और वहाँ हम खड़े हैं। बीजेपी कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज के बीच में कुछ ठीक नहीं है, भूपेश बघेल लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, दीपक बैज पर्दे पीछे हैं। देखिए कांग्रेस का जो प्रोटोकॉल है, प्रदेश अध्यक्ष नंबर 1, नेता प्रतिपक्ष नंबर 2, ये कांग्रेस का प्रोटोकॉल पहले भी रहा है, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा, तो 1-2 के साथ हम सब पीछे खड़े हैं। बाबा जी आप रणनीतिकार भी माने जाते हो, मुझे लगता है कि आप बताइए कि आपके सब जानना चाहोगे कि प्रदेश में कांग्रेस को और क्या स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिसके लिए आप लोग मजबूत हो, ऐसा आपको लगता है? लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। हम अगर विपक्ष में है तो सकारात्मक विपक्ष का ये भी भूमिका है कि कोई अच्छा काम हो तो हम क्या ठीक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा है। सवाल कांग्रेस और बीजेपी का कभी नहीं है, छत्तीसगढ़ के हित का है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमारा फर्ज है कहना अच्छा काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है तो ये हमारी जवाबदारी है उसको कहना कि ये गलत काम हो रहा है। आप डिप्टी सीएम भी रहे हैं और आपके मौजूदा जहां कवर्धा भी गए थे विजय शर्मा, वो भी डिप्टी सीएम, गृह मंत्री भी है, उनके कामकाज को आप किस तरह आकलन करते हैं? आपने तारीफ भी की पीएम आवास के लिए। पीएम आवास का बात उनने उठाया और उनने कहा कि ये हमने चालू किया है, अच्छी बात है, लेकिन आपका दर्द था कांग्रेस के कांग्रेस के कार्यकाल में ही राहुल गांधी जी जब आए थे बिलासपुर तो 25,000 रुपये 50,000 से ज़्यादा ग्रहवासियों के लिए रिलीज कर दिए गए थे, राहुल गांधी जी ने बटन दबाया था और वो पैसे जमा हो गए थे। उसी काम को अगर वो आगे ले जा रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं, अच्छे से निभाएंगे तो हम कहेंगे कि ठीक काम है, अगर उसमें कमी होगी तो हम कहेंगे गलत हो रहा है, क्योंकि हमको खड़ा होना है पब्लिक के साथ, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ। बाबा आखिरी 1-2 सवाल लूंगा, आपके चुनाव हारने के पीछे की वजह और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जाने की वजह क्या हो सकती है? लोगों से एक दूरी हो गई, कोरोना काल आया तो लोग चाह रहे थे कि टीएस बाबा वहाँ रहे, मेरी जवाबदारी छत्तीसगढ़ के लिए उस समय थी, जहाँ डॉक्टरों को ये तक नहीं मालूम था दुनिया में कि अब हम क्या करें, तो मैं यहाँ प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में, कैबिनेट के प्रतिनिधि के रूप में, मैं यहाँ जितने हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ वॉर रूम में था और रोज दिन जहाँ एक पीपीई किट नहीं था, ग्लव्स नहीं थे, दवाई तो छोड़ दीजिए, उस समय व्यवस्था बनाने का काम था, तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसमें लोगों से आप थोड़ा दूर होते हैं। अन्य कारण भी सरकार में काम करते समय ये आती है कि आप लोगों से जो थोड़ी दूरी बनती है वो परिणाम का कारण बनता है। मेरे साथ जो हुआ मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ भी वैसा ही हुआ। कोई साजिश भी आ रही है? साजिश देखिए 19-20 हमेशा होता है, आपको सक्षम होना होगा उस साजिश के आगे जाने का, वरना तो हर बार साजिश जीतेगी। साजिश तो छोटी चीज है, लोगों का साथ होना चाहिए, उसमें मैं चुका, साजिश जीत गई। अगर आप कह रहे हैं साजिश है तो वो जीती, आपके शब्द हैं मेरे नहीं। नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लोग कहते भी है बाबा को निपटाया गया, छोटी बातें हैं ये, मूल बात है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी।
जो मेरी राय में छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए ज्यादा अच्छी। शुक्रिया। टीएस बाबा थे, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा, जिनको आपने सुना और बहुत सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है। चुनाव टीएस बाबा कैसे हार गए, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार कैसे चली गई, उस पर भी महत्वपूर्ण बातें हुई है। इसके अलावा लीडरशिप को लेकर बातें हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कांग्रेस को लीड कर रहे हैं या पीसीसी चीफ लीड कर रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा कांग्रेस की न्याय यात्रा भी अपने आप में बड़ी बात थी, उस पर भी सवाल जवाब हुए। इसके अलावा जब कवर्धा पहुँचे थे, लोहारीडी में जब कवर्धा के जेल में जो बंदी थे, जो लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, उसके बाद वो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात करने गए, तब पूर्व डिप्टी सीएम बाबा ने कोई सवाल नहीं उठाया था। इस पर भी सवाल उठ रहे थे, तो हमने भी उस पर भी जवाब लिया कि आपने सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाया था। तो बहुत सारे विषयों पर बातचीत, हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा तमाम कांग्रेस नेताओं से हमने बातचीत की है, पीसीसी चीफ दीपक बैज जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं उनसे भी बहुत सार गर्भित बातें हुई है। इसके अलावा जगह जगह जो है कांग्रेस की यात्रा का जो है समर्थन भी देख सकते हैं। कांग्रेसी जो है लगातार चेहरे पर मुस्कान है, ऐसा लगता है कि इस मुस्कान के बदौलत 2028 पता कर लेंगे। जी जरूर जी, ये मुस्कान बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, इसी मुस्कान के साथ हम लोग और पूरी जनता छत्तीसगढ़ की हमको साथ दे रही है और निहायत ही 2028 में कांग्रेस की सरकार आएगी। तो हमारी बातचीत को अब खत्म करते हैं, आगे और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे न्याय यात्रा से संबंधित, आप लगातार चैनल साथ बनी रहिए। मेरे पीछे खुशवंत जो है बैक जो है पीछे उल्टा चल रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कैमरा संभाला, उसके लिए भी उन्हें सैल्यूट बनता है और धन्यवाद कि इस यात्रा को हम कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।